उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को बम उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी पुलिस के कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप नंबर पर दी गई है। इस धमकी के मिलने पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी है। बम निरोधी दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन शुरू कर दी है। बीते दिनों मुंबई से एक युवक ने सीएम योगी को धमकी दी थी, तब धमकी भेजने वाले आरोपी कामरान को यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र एटीएस की मदद से दबोचा था। तो बड़ी खबर बता दें आपको, मुख्यमंत्री आवास को बम उड़ाने की धमकी के बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त फोर्स वहां पर तैनात कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीमें वहां पर तैनात कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास को बम उड़ाने की धमकी का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है यूपी से। मुख्यमंत्री आवास सहित कई जगहों को यहां पर बम उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क हो गई है और जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया गया है। बम उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। तो चलिए, इस वक्त हमारे संवाददाता अमरीश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, यहां पर यह सनसनीखेज मामला सामने आया है मुख्यमंत्री आवास को बम उड़ाने की धमकी का, फिलहाल क्या कुछ जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है? जी अमित, यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस डायल 112 पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को बम उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही 50 अलग अलग जगहों पर भी बम से धमाके की धमकी दी गई है। ये पहला मैसेज नहीं है, इससे पहले मई माह में भी अगर याद हो तो एक मैसेज आता है पुलिस के पास जिसमें पुलिस ने एसटीएफ की टीम ने मुंबई से कामरान अमीन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। उस वक्त भी पुलिस की 100 डायल को ही ये धमकी भरा मैसेज आया था व्हाट्सएप पर। उस वक्त भी सीएम के आसपास की, सीएम हाउस के आसपास की और लखनऊ की ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ चूंकि बेबाक बोलने के वजह से हमेशा प्रचलित रहते हैं और हिंदू धर्म को काफी ज्यादा प्रभावित भी करते हैं। हिंदू अमरीश, ये जो धमकी कहीं ना कहीं ये जो धमकी दी गई है, जो नंबर जिस नंबर से धमकी दी गई है, क्या अब तक उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है पुलिस को कि कहां से फोन किया गया है, कहां से मैसेज आया है? जी, पुलिस अभी उस नंबर को ट्रेस कर रही है क्योंकि जहां तक जानकारी है अभी सिर्फ व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है, सीएम के आसपास की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम के तहत आसपास जो वीआईपी इलाके हैं उनकी भी छानबीन की गई है, वहां पे भी तलाशी ली गई है। लेकिन अभी पुलिस कुछ भी आगे की कार्रवाई जो भी कर रही है उस पर कुछ भी पुलिस ने कहा नहीं है। जल्द ही स्पष्ट होगा कि ये धमकी भरा मैसेज कहां से आया है और किस व्यक्ति ने दिया है। और पुलिस का कहना है कि जो भी इसके पीछे व्यक्ति होगा उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमरीश आपका। तो हमारे संवाददाता लखनऊ से अमरीश ये ताजा अपडेट दे रहे थे कि जहां से मैसेज आया है उस नंबर को ट्रेस करने की जो कोशिश है वो की जा रही है और तमाम ऐसी जगहों पर, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।